अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। आज सबसे पहले बात की जाएगी कोरोना वायरस की। एक नई लहर इस वक्त मुल्क में दाखिल हो चुकी है और ये डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने जो आज कहा कि प्रेडिक्शन की है कि भाई ये जो तीसरी लहर आई है ये ज़्यादा ख़तरनाक होगी, मरीज़ों की तादाद में भी इजाफा होगा और दूसरी जानब ये भी कहा कि हो ये सकता है मुस्तकबिल में हम ये देखें कि दोबारा से लॉकडाउन लगाने की सूरत हाल सामने आ जाए। अब एहतियाती तदाबीर की अगर बात की जाए तो उनका ये भी कहना था कि एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए तमाम चीज़ों को टेकअप करना पड़ेगा और शहर के मुल्क के कुछ ऐसे हिस्से हैं ख़ासतौर पर पंजाब के कुछ शहर कोट किए उन्होंने जहाँ पर ये वबा तेज़ी से फैलती नज़र आ रही है। हमने पिछले दिनों प्रोग्राम किया था जिसके अंदर ये भी बताया था कि 8 से 9 शहर हैं जहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल कर दी गई हैं। सिंध के अंदर बहरहाल तालीमी सरगर्मियाँ जारी और सारी रहेंगी। इसी पर बात करेंगे डाओ यूनिवर्सिटी के कोविड वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर सईद साहब हमारे साथ इस मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जानना ये चाहूँगा कि एक नई लहर इस वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है कोरोना वायरस की, क्या आप समझते हैं कि ये ज्यादा खतरनाक हो सकती है? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम मिलने का। यकीनन कोरोना वायरस की वबा जो साल मुकम्मल हुआ तकरीबन और वेव की शक्ल में ये जारी है, पहला वेव आया फिर दूसरा आया और अभी तीसरी की भी बात गश्त है कि कुछ शहरों में तीसरा वेव की शुरुआत हो चुकी है और अगर इस पे काबू नहीं पाया गया तो यकीनन ये तीसरा लहर भी शिद्दत के साथ आ सकता है। सिंध में निस्बतन अभी बहुत ज़्यादा शिद्दत से अभी फिलहाल नहीं है लेकिन पंजाब के काफ़ी शहरों में इसकी शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता चला जा रहा है और ये हमारे पास अब भी काफ़ी अच्छा मौका था कि इसमें हम वैक्सीनेशन पे ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवा लेते, अदरवाइज ये शिद्दत इसमें आती जाएगी और इसका जो है नुकसान भी हमें हो सकता है। तो हमें चाहिए कि SOPs पे अमल करते हुए वैक्सीनेशन पे भी फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाएं ताकि इस वबा पे काबू पाया जा सके वरना ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं हमें। अच्छा, वैक्सीन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वैक्सीन हमारे पास इस मकदार में इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में कि तमाम लोगों को लगाई जा सके, क्योंकि सिंगल डोज जो चीनी वैक्सीन है उसका भी ऑर्डर दे दिया गया है मजीद। हाँ, गवर्नमेंट लेवल में पहले मरहले में जो अत्या की गई वैक्सीन थी वो मुल्क में आ चुकी है और साइनोफार्म कंपनी की जो वैक्सीन है चाइना की वो पहले मरहले में तिब्बी अमले के लिए और मुमर अफराद के लिए अवेलेबल हैं लेकिन मजीद वैक्सीन की ज़रूरत होगी क्योंकि 20-22 करोड़ की आबादी है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मकदार में वैक्सीन की ज़रूरत है और गवर्नमेंट मजीद वैक्सीन प्रोक्योर कर रही है और मजीद ऑर्डर भी दे चुकी है लेकिन हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम आवाम को भी इसकी तैयारी करें, उसमें अवेयरनेस फैलाएँ कि वैक्सीन की जो शकूशबात काफ़ी लोगों के जहन में है वो ख़त्म हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रुजू करें अस्पतालों तक जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है वैक्सीन लगाने की और बग़ैर किसी शकूशबे के और बग़ैर किसी लेतुलाल के ये वैक्सीन लगाई जाए ताकि बीमारी पर काबू पाया जा सके। अच्छा, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने कहा कि हमारे हेल्थ सिस्टम पर ये नई लहर असरअंदाज हो सकती है, इससे क्या मुराद है डॉक्टर साहब? हेल्थ सेक्टर में जाहिर बात है अब सारी जो इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी है वो कोरोना को दी गई है और ये काफ़ी बाकी चीज़ों को बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर रही है। जैसे जैसे कोरोना आ रहा है तो आज जैसा बाकी चीज़ें इफेक्ट हुई है तो हेल्थ सेक्टर खुद इससे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है क्योंकि जो भी अगर प्रोसीजर हो रहा है किसी के हर दिल का मसला है उसको भी कोरोना टेस्ट की ज़रूरत है, कोई छोटी सर्जरी है उसको भी कोरोना टेस्ट की ज़रूरत है और अस्पताल जाने से भी लोग हिचकिचा रहे हैं तो वो ऐसी चीज़ें हैं जिससे बाकी चीज़ें भी इफेक्ट हो रही, ना सिर्फ कोविड या कोरोना बल्कि बाकी जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो लोग भी मुतासर हो रहे हैं। इसी तरह आपके बजट का एक हेल्थ के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पे लग रहा है तो ओवरऑल बाकी हेल्थ के चीज़ों को ये इफेक्ट कर रही है काफ़ी मल्टी डायरेक्शनल, फाइनेंशियल वाइज भी और हॉस्पिटल पे भी इसका बर्डन ज़्यादा है, ICU पे बर्डन है, आपके इमरजेंसी पे बर्डन है, ज़्यादातर जो आपके तिब्बी अमला है वो कोविड वार्ड में तैनात है तो काफ़ी चीज़ें इससे मुतासर हो रही हैं। अच्छा, 60 साल से ज़ायद 1000 अफराद को जो कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू किया गया है, अब ये वैक्सीन लगना शुरू हो गई है 60 साल से ज़्यादा जो उम्र के लोग हैं?
जी, इसका लगना शुरू हो गई और काफी लोग जो है वो आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन जितनी लगनी चाहिए वो उसकी तादाद बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा वैक्सीन अभी हमें चाहिए होगी और फैसिलिटी भी मजीद इन्हांस और बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों को आसानी से ये वैक्सीन लग सके और उसमें कोई मुश्किलात आवाम को ना हो, ताकि उसमें आवाम में इसके खिलाफ कोई शिद्दत ना बढ़े कि मुश्किल से कोई वैक्सीन लग रही है, तो इसके लिए कुछ अच्छा, अगर करना अगर कोई चाहिए। शख्स एक दफा ये वैक्सीन लगा लेता है तो फिर ये बरीजुम्मा हो जाता है, उसके बाद दोबारा लगाने की जरूरत है क्या? अच्छा, ऐसा है कि अगर वैक्सीन जो करंट वैक्सीन है उसकी दो डोजें लगनी है, एक अगर आज कोई लगवाता है तो 21 दिन बाद दोबारा दूसरी डोज लगेगी, तो जिनको कोरोना है उस वक्त वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, कोरोना खत्म हो जाए, सेहतियाब हो जाए और PCR नेगेटिव आ जाए तब वैक्सीन लगानी चाहिए। तो वैक्सीन लगाने के लिए जब जब वहाँ सेंटर पर जाएंगे तो वो लोग भी उसको बाकायदा मालूमात फराहम करेंगे, उनको गाइड करेंगे। तो वैक्सीन लगाने के लिए जरूरी है कि बंदा उस वक्त सेहतमंद हो, उसको कोरोना ना हो। अच्छा, वैक्सीन किस हद तक मुफीद साबित हो सकती है? क्योंकि लंदन के अंदर जो न्यूज़ सामने आ रही है कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है, खून जमा देने वाली खबरें भी आ रही हैं, इस पर कितनी सदाकत है डॉक्टर साहब? काफी दुनिया में इस वक्त वैक्सीन कई हजारों लाखों की तादाद में लग रही है और मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन है। पाकिस्तान में जो करंट वैक्सीन है वो साइनोफॉर्म की वैक्सीन है, इसके बारे में इस तरह की कोई जो है शवाहिद नहीं है, और UK में जो वैक्सीन लग रही है वो दूसरी कंपनी की वैक्सीन है और वो भी महदूद तादाद में इस तरह की खबरें आई हैं, तो बड़े पैमाने पे ऐसे कोई खबर नहीं है कि लोगों में ये ब्लड क्लॉटिंग का कोई मालूमात हो, लेकिन वो जो वैक्सीन है वो दूसरी 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 कंपनी की वैक्सीन है। और हमारे यहाँ जो वैक्सीन है वो अब तक तकरीबन लाख से ज़्यादा लोग लगवा चुके हैं सिंध में, और वो बिल्कुल महफूज है, कोई ऐसे केसेस रिपोर्ट नहीं हुए कि जिनमें इस तरह के खदशात सामने आए हों। अच्छा, एक और खबर भी सामने आ रही है, दोबारा से लॉकडाउन की जो है वो बाजगश्त है, खबरें गर्दिश में हैं, हॉस्पिटल्स भी जो है वो कस्टमाइज कर रहे हैं, बंद करने की कोशिश की जा रही है, मज़ारों को भी बंद करने की बात की है, इनर डाइनिंग की भी बात की गई है, तो क्या समझते हैं कि अभी सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि तमाम चीज़ों पर लॉकडाउन लगाना चाहिए? लॉकडाउन की सूरत हाल तो फौरी तौर पे नहीं है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट बिल्कुल क्लोजली चीजें देख रही है और कोई खतरा मोलना नहीं चाह रही, तो यकीनन वो नंबर्स को देख रही है कि जहां जहां पे नंबर्स बढ़ेंगे तो लॉकडाउन मकामी तौर पे लगाने की गुंजाइश निकल आएगी, लेकिन बिलुमूम अभी फिलहाल जो नंबर्स हैं वो ऐसे नहीं है कि लॉकडाउन की जरूरत पेश आए, लेकिन गवर्नमेंट डेटा उनके पास है और वो कर रही है, जहां जहां पे जरूरत उनको पड़ेगी तो यकीनन अगर जरूरत पड़ेगी तो लॉकडाउन भी करेगी, क्योंकि वबा को फैलने नहीं देना चाहिए, काफी हद तक चीजें आ चुकी हैं तो इसको कैपिटलाइज करना चाहिए, और जिस तरह पिछले साल और या सेकंड वेव में शिद्दत आ गई थी उसको उस नहज पे दोबारा नहीं पहुंचने देना चाहिए और उसकी रोकथाम में मुसलसल कोशिशें करनी चाहिए। अच्छा, लोगों का जो बिहेवियर है उसमें सीरियसनेस तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, कहीं पर हम देखते हैं कि हुजूम लगा होता है, लोगों का रश होता है, मास्क वेयर नहीं कर रहे हैं, अब तो सैनिटाइजर का भी जो वक्त है वो मुझे लगता है कि अब गुजर गया है, तो क्या ये बिहेवियर नुकसान पहुंचा सकता है? अभी ऐसी कंडीशन में है हम? ये यकीनन नुकसानदेह इसलिए हो सकता है क्योंकि जब वेव खत्म होने वाली नहज पे होती है तो लोग ये समझ बैठते हैं कि शायद कोरोना खत्म हो गया, और वो अगर कुछ लोग मास्क पहन भी रहे थे, SOPs फॉलो कर रहे थे, तो वो भी उसमें भी कमी आ जाती है। तो मैं मुसलसल आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा जी, हूँ कि जब तक एक भी मरीज मौजूद है तो खतरा टला नहीं है, हमें आखिर मरीज तक कोशिश करनी चाहिए कि SOPs को भी अमल करें और वैक्सीनेशन भी करवाते रहें, अदरवाइज ये बीमारी इस माशरे में होगी और ये मुसलसल फैलती रहेगी और खुदा ना खास्ता एक बड़ा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो SOPs पे अमल करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, हाथ को बार बार धोना चाहिए, तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बगैर खर्चे के हम कर सकते हैं, बगैर किसी दिक्कत के हम कर सकते हैं, तो इन तीन चीज़ों पर जब तक अगर हम अमल करेंगे तो ये कोरोना वायरस आराम से इस पर काबू पाया जा सकता है, और जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी उसको भी लगाने के लिए इंतजाम करने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में ये भी पूछना चाहूंगा कि हेल्थ सिस्टम के हवाले से, एक साल का अरसा हो चुका है हम कोविड के इस पीरियड में इस वक्त जकड़े हुए हैं, तो क्या हेल्थ सिस्टम हमारा इतना जो है स्टेबल हो चुका है कि हमारे पास अगर मजीद केसेस भी आते हैं तो हम उसको भी काउंटर कर सकें?
सिंध में जो हालात है वो तो काफी काबू में इस वक्त, क्योंकि आईसीयू में प्रेशर नहीं है, काफी खाली लिहाज से हैं, तो अल्लाह ना करे कि नंबर बढ़े, लेकिन अगर अभी बढ़ते भी हैं तो हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी है, टेस्टिंग कैपेसिटी भी है और हॉस्पिटल्स में इंतजाम मुकम्मल हैं, लेकिन हमें बार बार इस चीज की तैयारी अपनी जगह, लेकिन हमें बीमारी खत्म करना की तरफ जाना चाहिए ताकि बार बार ये वेव ना आए और हमारे सारे रिसोर्सेज इस बीमारी को टेकल करने में ना लगे, बल्कि अगर हम इसको प्रिवेंट करें और दायमी तौर पर इसको खत्म करें तो वो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी होगी, बजाय कि हम हर वक्त इस तरह जाएं कि पेशेंट ही डील करते रहें। तो उससे बेहतर तरीका है कि पेशेंट बनने ना दें और बीमार होने ना दें लोगों को, ताकि हेल्थ सेक्टर पर प्रेशर कम से कम पड़े। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए कोई खास पैगाम अगर देना चाहें, और खासतौर पर वैक्सीन के हवाले से भी मैं चाहूँगा कि लोगों को इस बात पर आमादा किया जाए, कोई पैगाम डॉक्टर साहब? मेरा यही पैगाम है कि ये एक आलमी बीमारी है, ये वबा है पूरी दुनिया में, तो इसमें हर बंदे को अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए कि इस बीमारी पर काबू पा सके। सिर्फ गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती, और जब तक आवाम अपना हिस्सा नहीं डालेंगी, अपने हिस्से का काम नहीं करेगी, बीमारी पे हम काबू नहीं पा सकते। और हम इसके लिए एक स्लोगन मैं अक्सर यूज करता हूँ कि नो वन इज सेफ अंटिल एवरी वन इज सेफ, जब तक सब महफूज नहीं है तो कोई भी महफूज नहीं है। अगर आप अभी फिलहाल से हथियार रखना खासा कोरोना नहीं हुआ आपको, तो ये जरूरी नहीं कि कल भी आपको नहीं होगा, तो इसलिए जब अगर आप से हथियार है और आप उसका डाल सकते हैं किसी भी तरीके से, SOPs पे अमल करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, दूसरे को ये इतला और ये मालूमात फराहम करते हुए, दूसरे को इंकरेज करते हुए, और वैक्सीनेशन के बारे में जो शकूक व शुबहात है उसको दूर करने में अपना हिस्सा डालना चाहिए, लोगों को इंकरेज करना चाहिए कि वो अपना हिस्सा इसमें डाले, इसको सीरियस लें, इसको कोई ऐसा ना समझे कि कोई बीमारी नहीं है या कोई सीरियस चीज़ नहीं है, अदरवाइज ये पूरा हमारा माशरा इससे नुकसान उठा सकता है, और ये हमारा मुल्क है, हमने अपने लिए और अपने प्यारों के लिए इसके लिए हमें अपना भरपूर इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए ताकि इस बीमारी को काबू पाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वो यही बता रहे थे कि जो तीसरी लहर आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर ये शिद्दत इख्तियार कर रही है, लेकिन खुशी की खबर ये है, खुशगवार माहौल के अंदर अगर बात की जाए तो सिंध के अंदर अभी तक इस तरह से ये वबा फैली नहीं है, स्प्रेड आउट होने में ये नाकाम रही, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि SOPs को फॉलो ना किया जाए, SOPs का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए, तभी इन तमाम चीज़ों से निपटा जा सकता है। बहरहाल वफा लेंगे इसके बाद एक और स्टोरी, इस पर बात करेंगे।